हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फैन क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि कौन से डिवाइस के अंदर क्या अपडेट आया है, कौन सा अपडेट आया है एंड्रॉइड 13 का या एंड्रॉइड 12 का, और साथ ही साथ कितने साइज है उसका, क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या उसका वर्जन क्या है, क्या यूआई वर्जन आएगा, सब कुछ आज बात करेंगे वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे ओल्ड डिवाइस के बारे में बात करेंगे रियलमी की तरफ से, उसके अंदर भी जो एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे, क्या आया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आज की वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट के बारे में इंटरेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेल, नार्जो 55G के एंड्रॉइड 13 अपडेट के बारे में बात करें तो ऑफिशियली रियलमी की तरफ से जो अपडेट है एंड्रॉइड 13 का, नार्जो 55G के लिए रोल आउट कर दिया गया है। और दोस्तों जो अपडेट है, इस अपडेट का साइज आपको देखने को मिलता है 4.35 GB का। बात करें एंड्रॉइड 13 का, ये ट्रायल वर्जन अपडेट है और इसके अंदर आपको जो यूआई वर्जन देखने को मिलता है वो 3.01 देखने को मिलता है, बट जो यूआई होगा सिस्टम यूआई वो आपको 3.0 ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी तक 4.0 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये बेटा अपडेट नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल वर्जन अपडेट है। इसके बाद आपको बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो आपको है स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। बाय द वे, कितने लोगों को अपडेट देखने को मिला एंड्रॉइड 13 का, जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताना। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था 17 मैक्स के अंदर भी जो है एंड्रॉइड 13 का अपडेट रोल आउट हो गया, और सारे कुछ जो लीक्स मेरे सामने आ गए अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है रियलमी 17 मैक्स का है, और दोस्तों आप देख सकते हैं जो है 5.63 GB का को जो अपडेट है देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 13 का ट्रायल अपडेट है, अभी बीटा अपडेट नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल अपडेट, मतलब अल्फा अपडेट जिसे कहते हैं हम लोग, वही वाला अपडेट है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है, बट जो सिस्टम यूआई होगा वो होगा रियलमी 3.0। यहाँ पे 4.0 का अपडेट अभी तक रोल आउट नहीं किया गया है। और बात करें इसके साथ जो यूआई वर्जन आपको देखने को मिलता है वो होगा RMX 3031 11.01 वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो ये है रियलमी 17 मैक्स 5G के अंदर एंड्रॉइड 13 के ट्रायल अपडेट। तो कितने लोगों को ये अपडेट देखने को मिला है, जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताना। बहुत ही जल्दी इसके अंदर बेटा और उसके बाद इसके अंदर स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी ऑफिशियल की तरफ से, क्योंकि आपको पता है रियलमी की तरफ से एंड्रॉइड 13 बहुत ही जल्दी रोल आउट किया जा रहा है। जैसे कि एंड्रॉइड 12 को नहीं किया गया था, वैसे ही एंड्रॉइड 13 को बहुत ही जल्दी रोल आउट कर रहा है यहाँ पे। तो ये दिल को बहुत तसल्ली देता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें रियलमी GT Neo 2 के अंदर जो अपडेट है एंड्रॉइड 13 अपडेट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट है ट्रायल वर्जन अपडेट 5.77 GB का आपको देखने को मिलता है, 8.01 वर्जन इसके अंदर भी देखने को मिलता है, और ये भी सिस्टम यू आई आपको जो देखने को मिलता है रियलमी 3.0 का। बाय द वे, एंड्रॉइड 13 के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल गए इस अपडेट के साथ रियलमी GT Neo 2 के अंदर। और फाइनली जो है 5.77 GB का ट्रायल वर्जन अपडेट रोल आउट कर दिया गया है रियलमी GT Neo 2 के अंदर एंड्रॉइड 13 का। बाय द वे, कितने लोगों को देखने को मिला जरूर नीचे कमेंट करके बताना हमें। और दोस्तों एक और अपडेट रियलमी C35 के अंदर 8.63 का जो अपडेट है वो देखने को मिल गया है, सिर्फ 45 MB का अपडेट आपको देखने को मिलता है। बाय द वे, कितने लोगों को ये अपडेट नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है, जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। मैं मिलता हूं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, बहुत सारे न्यूज़ के साथ, बहुत सारे अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा।